प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 78वीं बार मन की बात कार्यक्रम में लोगों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में टॉय इंडस्ट्री को बड़ी भूमिका निभानी है। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था कि ये भारतीयों में आत्मविश्वास जगाने का आंदोलन है, ऐसे ही आत्मनिर्भर भारत आंदोलन भी है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 अहम बातें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना के दौर में घर में रहते हुए उत्सव मनाए जा रहे हैं, लोग अपना और लोगों का ध्यान रखते हुए अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह का संयम देखा जा रहा है वे अभूतपूर्ण है। गणेश उत्सव ऑनलाइन मनाया जा रहा है, इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमा भी स्थापित हो रही है। वही मोदी ने कहा, कई पर्व पर्यावरण के लिए मनाए जाते हैं। बिहार के थारू समुदाय ने प्रकृति को जीवन का हिस्सा बना लिया है। वे 60 दिन के त्यौहार बरना को मनाते हैं, कोई भी कहीं भी आता जाता नहीं। इस दौरान कृषि से जुड़ा ओणम भी मनाया जाता है। वही मोदी ने बच्चों का समय किस तरह बीत रहा है इस पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, कोरोना काल में देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है, ये भी ख्याल आता है कि घर में रहने वाले बच्चों का समय कैसे बीतता होगा। मैंने कहीं पढ़ा है कि खिलौने के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि खिलौना वही अच्छा होता है जो अधूरा हो, बच्चे उसे खेल खेल में तैयार कर देते हैं। ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए की है, लेकिन भारत की इसमें हिस्सेदारी काफी कम है। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत में टॉय इंडस्ट्री अहम है। वहीं पिछले महीने की मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल युद्ध के 21 साल पूरे होने पर इस जंग में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी, दुश्मन पहाड़ पर बैठा था, लेकिन जीत भारतीय सेना के हौसले और सच्ची वीरता की हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यदेव।